हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फॉर्म सीट और कपड़े के छोटे बचे हुए जो टुकड़े होते हैं अपने घर में, ब्लाउज पीस या सूट वगैरह में से बच जाते हैं, उनसे बहुत ही सुंदर स्लीपर बनाना बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए, कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम पेपर सीट पर इसका नाप ले लेते हैं, कटिंग करेंगे इसके ऊपर। ये मैं बना रही हूँ लगभग जो 5 नंबर का रहता है उसके लिए। इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 4.5 इंच और लंबाई हमें लेनी है 9.5 इंच। इसको काट लेंगे। यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे इनकी। अब हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। ये बीच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, ये आगे वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा लंबा लेंगे और इसको यहाँ से राउंड शेप देंगे। ये पूरा यहाँ तक जाएगा। इस तरह से अब हम कपड़ा लेंगे। कपड़े की यहाँ पे 4 लेयर बनाएंगे। उसके ऊपर कटिंग को रखेंगे। अब यहाँ से बिल्कुल कटिंग से सटाते हुए हम कपड़े को काट लेंगे। अब हम इसका यहाँ से नाप लेते हैं। ये जो पैर में ऊपर की साइड से जो पट्टी आएगी उसका, ये 4 इंच के समथिंग, क्या 4 इंच है, तो इसमें हम 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 6 इंच। ये जो कपड़े की पट्टियाँ हमने काटी थी जैसे, वैसे ही हमने फोम की भी काट ली है। अब इनकी सिलाई करते हैं। एक कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर फोम रखेंगे, फिर उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे दोबारा और इनको यहाँ से सिल देंगे। ये पैर के ऊपर वाली पट्टी जो है उसमें एक साइड में एक कपड़ा रहेगा और नीचे की साइड से लेंगे हम ये दूसरे वाला और इसको यहाँ पर मोड़ करके ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब हम ये जो ऊपर वाली पट्टी इस पर यहाँ पे अटैच करेंगे। ये जो राउंड है बीच में थोड़ा सा, इसके ऊपर से ऐसे सिलाई हमें बाहर की साइड ही लगानी है इसकी और यहाँ पे ऐसे दोनों साइड से अटैच कर देंगे। अब हम इस तरह की एक पट्टी लेंगे। पाइपिंग कंप्लीट इसके बराबर की। अब हम इसका अंगूठा बनाते हैं। इसको यहाँ से मोड़ करके ऐसे ऊपर नीचे करेंगे और इधर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी कोल्हापुरी स्टाइल हैंडमेड स्लीपर बन करके तैयार हैं। आप इनको किचन में या फिर पूजा रूम में भी पहन सकते हैं, कंफर्टेबल भी रहेंगी। इसमें फोम डाला है तो ये आपके पैरों के लिए भी बहुत ही आरामदायक रहेंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।